गोरखपुर के बेलघाट थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जी हां, आपको बता दें, गोरखपुर के बेलघाट थाना क्षेत्र के शंकरपुर बाजार एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां कलयुगी पति ने पत्नी की हथौड़े से सिर पर मारकर हत्या कर दी। जहां 35 वर्षीय नकुल गुप्ता ने अपनी 27 वर्षीय पत्नी सोनी गुप्ता की हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही बेलघाट पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। दरअसल नकुल गुप्ता और सोनी गुप्ता की शादी करीब 7 से 8 साल पहले हुई थी। नकुल पहले विदेश में काम करता था, लेकिन 1.5 साल पहले वह शंकरपुर लौट आया। उसके बीच लंबे समय से घरेलू विवाद चल रहा था, खासकर सोनी से किसी अन्य के साथ अवैध संबंध के शक को लेकर। इस विवाद को सुलझाने के लिए कई बार पंचायत भी हुई, लेकिन रिश्ते में सुधार नहीं हुआ। नकुल ने इस बीच सोनी के खिलाफ विदाई का मुकदमा भी दायर कर दिया था। लगभग 1 साल से सोनी अपने मायके में रह रही थी और गोरखपुर सिटी मॉल में काम कर रही थी। मां कुसमौती देवी के अनुसार सोनी और नकुल के बीच फोन पर बातचीत होती रहती थी। 13 तारीख को नकुल ने सोनी को शंकरपुर बुलाया और 14 तारीख को हत्या की घटना को अंजाम दे दिया। घटनास्थल पर एसपी साउथ जितेंद्र कुमार, सीओ खजनी दरवेश कुमार, फॉरेंसिक टीम और थाना अध्यक्ष बेलघाट नवनीत नगर में पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और सैंपल कलेक्शन किया। पुलिस अब मामले की गहन जांच कर रही है। आज सुबह थाना बेलघाट के ग्राम शंकरपुर से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि इसी गांव के रहने वाले नकुल गुप्ता के द्वारा अपनी पत्नी सोनी गुप्ता की सिर में किसी भारी वस्तु से चोट मारकर हत्या कर दी है। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और वहां जब जानकारी की गई तो जानकारी में आया कि जो नकुल गुप्ता है वह अपनी पत्नी सोनी गुप्ता पर काफ़ी शक करता था और उन पर अवैध संबंध होने का आरोप भी लगाता था और इनमें ही कल रात्रि में इसी बात को लेकर इनके मन में झगड़ा हुआ और फिर देर रात्रि में नकुल गुप्ता के द्वारा हथौड़े से अपनी पत्नी के सिर में चोट कारित कर उसकी हत्या कर दी गई और जो आरोपी अभियुक्त है उसको पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जो हथौड़ा आला कत्ल है वह भी आरोपी की निशानदेही पर पुलिस के द्वारा कब्जे में ले लिया गया है और जो मृतका के शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और इसमें तहरीर प्राप्त कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।